आज देश में हर माँ बाप चिंतित है अपनी बेटी के लिए कि अगर उसकी बेटी घर से निकली है तो शाम तक वो सुरक्षित घर पर वापस आएगी कि नहीं आएगी। दिल्ली के निर्भया कांड से आखिर सरकार ने सीख क्यों नहीं ली, क्यों नहीं ऐसे कड़े कानून बनाए जिससे ऐसे अपराधियों के मन में दहशत हो जाए और ऐसे अपराधों पर अंकुश लग सके। आज हमने बनारस के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तमाम लोगों से बातचीत की, हिंदी विभाग के डॉक्टर राय से भी बातचीत की, यहाँ के विद्यार्थियों से भी बातचीत किया। हमने ये सवाल पूछा कि आखिर कैसे कानून बनाए जाएँ, कितने कड़े कानून बनाए जाएँ कि सामूहिक बलात्कार जैसी घटनाएं कम हों। सबके विचार अलग अलग थे, सबकी सोच अलग थी, आइए हम आपको दिखाते हैं। भारत का समाज और भारत की राजनीति पितृसत्तात्मक है, जाहिर है यह सरकार भी पितृसत्तात्मक है। जिस देश की संसद में आधी आबादी नहीं है स्त्रियों की, वहाँ उसकी आवाज़ कौन उठाएगा, इसलिए ये पूरा का पूरा एक ढांचा है। दूसरी बात है कि जो ये सरकार है यह तो जिस विचारधारा को लेकर चलती है उस विचारधारा में स्त्री के लिए न्यूनतम जगह है, तो ये एक गहरा संकट ये भी है। तीसरी चीज़ है जो गैंगरेप इस तरह हो रहे हैं, हमारी शिक्षा हमारे समाज की संरचना उसमें स्त्री के लिए जगह नहीं है, दायरा नहीं है, जब तक शिक्षा को सेंसिटाइज नहीं किया जाएगा। और ये एक क्रिमिनल और साइकोलॉजिकल मैटर भी है। इन सब चीज़ों को देख करके मैं तो समझता हूँ कड़े कानून होने चाहिए, लेकिन सिर्फ कानून से ये चीज़ें नहीं बदल सकती हैं। स्त्रियों की उतनी बड़ी आज़ादी चाहिए और लगभग पुरुष के बराबर चाहिए। इस माहौल के बिना देश की सत्ता या देश का समाज इस समस्या से समाधान नहीं पा सकता है। देश की राजनीति कारपोरेट चलाती है, पहली बात तो यह है। और सरकार, इस सरकार की कथनी और करनी के बीच का गैप अब धीरे धीरे सामने आ गया है। इसलिए इस सरकार को लोकपाल, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आई थी, लोकपाल विधेयक कहाँ है। यह सरकार आई थी रोजगार देने के लिए, 2 करोड़ लोगों को रोजगार कहाँ है। विदेश से 15 लाख रुपया हर खाते में आना था, कहाँ है। मोदी और विजय माल्या जैसे लोग विदेशों में क्यों हैं, ठीक वैसे ये सरकार जिस स्त्री को गंगा का उद्धार करने आई थी, नमामि गंगे का हाल देखिए क्या है, ठीक वैसे ही स्त्रियों को लेकर के 33% का इनको लाना था विधेयक और उसमें शामिल करना था, क्यों नहीं 33% आरक्षण सरकार ले पाई। साफ जाहिर है कि इस सरकार की मंशा इस तरह की नहीं है कि वह स्त्रियों की आज़ादी और उसकी मुक्ति के लिए और न्याय के लिए बड़े कदम उठा सके और रिस्क उठा सके। कारण ठोस है कि सरकार समाज का हिस्सा होती है और समाज और सरकार का राजनीतिक ढांचा पितृसत्तात्मक है और स्त्री विरोधी है। निडर हो चुके हैं, किसी को अब डर ही नहीं लगता कि लड़कियां भी जवाब दे सके, तो मुझे तो ये लगता है कि लड़कियों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए, अपराधियों में सेल्फ डिफेंस खुद आना चाहिए लोग। तो अपराधियों में लेकिन भय भी होना चाहिए। सरकार क्या करे उसके लिए कि आप लोग सुरक्षित महसूस करें, कहीं भी आए जाएं, किसी भी वक्त आए जाएं, आप सुरक्षित रहें। सरकार क्या करे? सरकार को अगर करना रहता तो अब तक वो कर चुकी होती। आज से रेप नहीं हो रहा है, कई सालों से रेप चलता आ रहा है। अगर उनको कुछ करना है तो अभी तक उनकी आंखें नहीं खुली है। अब हम कई बार पूछा जाता है, सबसे पूछा जाता है कि क्या किया जा सकता है। अगर वो कुछ कर सकते तो वो अब तक कर चुके होते, पर मुझे नहीं लगता उनके हाथ में अब कुछ है। जनता के अंदर इतना आक्रोश भरा और वो कुछ कर नहीं पाते हैं। गवर्नमेंट बोलती है कि हम देखेंगे, पर वो सिर्फ जेल में डाल देती है, जिनसे उनका और ज़्यादा ये बढ़ जाता है कि हम ये करें, और ये दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, तो इससे कुछ अंकुश लग नहीं रहा है। तो सरकार को या तो फांसी दे देनी चाहिए या जनता के हवाले देना चाहिए। हमें लड़कियों को स्ट्रांग बनाना चाहिए इस फील्ड में कि भाई वो लोग एटलीस्ट ये नहीं कि भाई हम लोग किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते कि लड़के ऐसे बनेंगे तो हम ऐसे बिहेव करेंगे। यार एटलीस्ट हम इतने स्ट्रांग बन जाए ना कि लोग हमें नज़र उठा के देख ना पाए बुरी नज़र से, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को स्ट्रांग बनना चाहिए। तो जो हमारी जो छोटी बच्चियाँ हैं, जो 8 साल की हैं, 7 साल की हैं, वो उनके लिए क्या सरकार कड़े कानून बनाए? जो अपराधी जो लोग हैं जो गैंगरेप करते हैं हमारी छोटी बच्चियों का, वो कैसे उस पे कैसे अंकुश लगाया जा सकता है? उसके लिए तो सरकार को स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने पड़ेंगे, जैसे फांसी की सज़ा देनी पड़ेगी या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स देने पड़ेंगे जिससे उनके अंदर एक डर रहे। डर होना बहुत ज़रूरी है। सर मुझे ऐसा लगता है कि कानून जो पहले से हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा होना ज़रूरी है, बेशर्ते हम नया नया क्रिएट करते चले जाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सोचिए निर्भया वाला जो कांड हुआ था 2012 में, जो लॉज थे अगर वो इम्प्लीमेंट हो गए होते तो मैं ये नहीं कहती कि आज तक सब कुछ काम खत्म
हो जाता, लेकिन कम तो ज़रूर हो ही जाता। हम इस चीज़ में है कि नया क्या लगाएंगे, फांसी दे दीजिए, ये कर दीजिए, एटलीस्ट जो है उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर वो कोई MLA ही कर रहा है या MLA का भाई कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी कर रहा है, अगर उसको आपको गलती का रियलाइजेशन कराना है ना, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि पहले आप उसे जेल में लेके जाइए और वही कंडीशन दीजिए जो एक अपराधी को मिलने चाहिए। आप उसकी बैरक ही 5-स्टार होटल की तरह बना देंगे तो उसे कभी रियलाइज नहीं होगा कि उसने क्या गलती की। जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार की घटनाओं को राजनीति से जोड़ दिया जा रहा है, ये पूर्णतः गलत है। और मुझे लग रहा है कि जो भारतीय चिंतन है, अभी भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो कानूनी शिथिलता है उसमें तत्परता लाई जाए, उसमें तेजी लाई जाए, लेकिन एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय चिंतन है, उसका ज्ञान, उसका बोध लोगों में होना चाहिए। ऐसे घटनाओं पर निश्चित रूप से अंकुश लगाया जा सकता है अगर लोगों में नैतिकता आ जाए, लोगों में स्वतः सुधार की भावना आ जाए। अगर हम कानून से डर पैदा करें तो क्या इस पे अंकुश नहीं लगाया जा सकता है? नहीं, मुझे लग रहा है कि वो ठीक है कि कानून से आप डर पैदा करें, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ये बात जरूरी है कि लोगों में स्वतः सुधार की भावना आए, समाज जाग जाए, लोग जागरूक हो जाएं कि दायित्व तो क्या है। एक हर लोगों के अंदर की भी सुधार की आवश्यकता है। सरकार तो अपना एक्शन लेती है लेकिन गलत ढंग से ले रही है। किसी भी अपराधी को, दिल्ली की घटना हो, ये उन्नाव की हो, या जो कठुआ ये वाली कश्मीर वाली बात बता रहे हैं, यह सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि अपराधियों का मन भरता है, बढ़ जाता है। वो जानते हैं कि हम अपने व्यवस्था के द्वारा, हम अपने जुगाड़ के द्वारा बच निकलेंगे और अपराध देर तक टाल दिया जाता है, इसलिए उन लोगों का मन बढ़ रहा है। अपराध के लिए तुरंत उनको दंड नहीं दिया जाता है और कड़े से कड़े दंड की व्यवस्था जैसे अन्य देशों में है, हाथ पर काट देना या फांसी दे देना, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वही किया जाए, लेकिन ये लंबित करना केस को या कठोर कानून के अभाव में ऐसा हो रहा है कि लोगों के अंदर से डर खत्म हो रहा है, उनका मन बढ़ रहा है, उनके नैतिकता का पतन हो रहा है। हमारे देश की बेटी चाहे 8 साल की हो या 18 साल की, किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय से संबंधित हो, लेकिन भारत सरकार का ये दायित्व है कि वो महिलाओं की सुरक्षा करे, एक ऐसा कड़ा कानून बनाए जिससे अपराधियों के मन में खौफ पैदा हो और गैंग रेप जैसे घृणित अपराधों पर अंकुश लग सके।